नमस्ते। आज मैं रेडियो में आपको जो कुछ दिखाने वाला हूँ वो आप लाइव में देख सकते हैं। सोयाबीन में जो बदलाव होने वाले हैं वो आगे ना हो, और इस साल में बारिश के वजह से सोयाबीन में बहुत कुछ किसान लोगों को नुकसान हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो का मानना है कि सोयाबीन फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न किसान लोग निकाला जाए। तो आज सोयाबीन में आप एक बार ये करके देखिए कि सोयाबीन में आप 101% इंक्रीज हो सकते हैं। तो सोयाबीन में कौन से खाद डालना चाहिए वो मैं आपको गए वीडियो में तो आपको मैं बोल दिया हूँ। तो आप ये अगली बार जो सोयाबीन का मेंटेनेंस करते हैं वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आखिर में ये सोयाबीन में एक खाद घुलनशील खाद डालने से सोयाबीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होने की क्षमता होती है। तो आप खेत में उत्पादन को कैसे बढ़ाएंगे? कोई किसान को ऐसा नहीं लगता है कि मेरे खेत में उत्पादन फसल की कमी हो। सब किसान की इच्छा होती है वो सोयाबीन में उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाए। वो किसान के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये वीडियो में मैं आपको 2 या 3 मिनट का वीडियो करने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ आपको खेती में क्या करने का है। नमस्ते, मैं हूँ नाना, नाना टीवीजी में आपका स्वागत है। आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पहले बोल दिया था आपको सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़ाने का है। सोयाबीन में 2 तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है। एक है फंगिसाइड और दूसरी है कीट। फंगिसाइड के लिए आप जो सोयाबीन का बीज लाते हैं मार्केट से, आपके साथ एक राइजोबियम का एक पुड़ी मिलती है। तो उसके अंदर राइजोबियम का जो पैकेट होता है उसको आप सोयाबीन में यूज़ नहीं करते हैं। तो उससे 10 या 15% किसान को घाटा होता है। किसान लोग उसको नेगलेक्ट करके वो जो राइजोबियम की जो पैकेट होती है उसको उधर ही फेंक देते हैं। किसान लोग, आपको मेरा आपको मैं आज वो राइजोबियम का जो पैकेट होता है आपको हाथ जोड़कर मैं बोलता हूँ कि वो ना फेंके, उसको यूज़ करे। कंपनी अपना सीड्स अपने को रिटर्न करती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया करके वो सीड्स हमको बैग में अच्छा लोबो, महादन, महाबीज, ग्रीन गोल्ड, महागुजरात बोल के लोबो, हर एक कंपनी का हर एक लोबो होता है। तो वो लोबो लगा के हमको सेल करवा देते हैं। लेकिन जो बीज रहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप और एक बार सुनिए, वो जो बीज रहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका जो राइजोबियम का जो पैकेट आता है वही बेस्ट एंड बेस्ट मोर इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए ये हो गया। तो आगे मैं आपको सोयाबीन के उत्पादन में कौन से खाद डालने का है एक ही मिनट में आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट या DAP, सल्फर बेंजोनाइट, ये
सोयाबीन बुआई करते टाइम में डाल दीजिए। और दूसरा हो गया एनपीके 1919 वाटर सोल्यूबल घुलनशील खाद बोलते हैं उसको, ये 20 या 25 दिन में डाले। और जब अपने फसल को फुटवा चाहिए बोले तो सोयाबीन के ब्रांचेस खुलना चाहिए, वो ब्रांचेस में भी फली आपको होना चाहिए, तो आप 052334 का स्प्रे ज़रूर कीजिए। 35, 40, 45 दिन में ये स्प्रे होना ज़रूरी है। तो 65, 65 या 70 दिन के अंदर 0050 का ये स्प्रे होना ज़रूरी है। ये स्प्रे से क्या होता है, जो ये सोयाबीन जो है ये तिलधन फसल है, तो तिलधन फसल में इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए ये जो सोयाबीन की क्वांटिटी होती है इसके अंदर वजन और ये उत्पादन बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं, तो आप 0050 का स्प्रे कीजिए और आप रिज़ल्ट देखिए आगे क्या होता है। एक बार करके देखिए तो बार बार करेंगे, ये किसान हमारे भारत में किसान को कोई जानकारी नहीं देता है। मैं अभी नया नया मेरे YouTube वीडियो से आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और